तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास ये सैमसंग B310e है। तो इस फ़ोन में देखिए फ़ोन लॉक मांग रहा है, तो इस फ़ोन को आप किस तरह से जो इस पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए, पीसी में आने के बाद सबसे पहले आपको USB ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो ये आप विंडोज़ 8.1 एंड 10 के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको पीसी कौन सा बिट है वो चेक करना है। तो माई कंप्यूटर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 64 बिट को ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर देते हैं। उसके बाद सिंपली आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद GSM अलादीन क्रैक को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो ये जो टूल है इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। तो इसको सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर को खोल लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको, मैं ड्राइवर वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इसको साइड कर देते हैं, इसको भी साइड करके छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको स्प्रेड डम पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देने के बाद CPU, आपका फ़ोन का जो CPU है कौन सा CPU है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता नहीं है तो गूगल पे जाके सिंपली उसका मॉडल नंबर देख के CPU टाइप लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीड पासवर्ड के ऊपर टिक लगा देना है। उसके बाद रीड पासवर्ड के ऊपर टिक लगा देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मैं आगे का प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो फाइनली देखिए, फ़ोन को सबसे पहले आपको स्विच ऑफ कर लेना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट देना है, स्टार्ट। तो स्टार्ट देने के बाद यहाँ पे देखिए स्कैनिंग मोबाइल USB सीरियल पोर्ट बता रहा है। तो होम की को प्रेस करके ये इसका बूट की है, इस USB को अंदर डालना है। तो जैसे आप इसको अंदर डालेंगे तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है यहाँ सिंपली कनेक्ट हो चुका है। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो रीड कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइक आ रहा है इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड ये बेल आइकन। तो देखिए यहाँ पे अनलॉक कोड जो है यहाँ पे बता रहा है। तो सिंपल सा कोड है। तो फ़ोन को सबसे पहले ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन हमारा देखिए ऑन हो रहा है, इसका मॉडल नंबर भी आपको पता चल रहा है। तो देखिए मैं यहाँ से ये जो कोड है 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए इसको, देखिए फ़ोन सिंपली अनलॉक हो चुका है। तो ये सिंपल सा पासवर्ड था, ठीक है। तो आप दूसरे किसी पासवर्ड जो है उसको भी कर सकते हैं आराम से। तो देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फ़ोन को हार्ड रिसेट कर देना है एक बार। फ़ोन को जैसे आप हार्ड रिसेट कर देंगे तो आपका जो फ़ोन का जो ये कोड है ये जो है डिलीट हो जाएगा। तो ये जो कोड है इसको देखिए आप डिलीट कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स।